कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर ही उम्मीद है। ऐसे में अब वैक्सीनेशन का दायरा आगे बढ़ाते हुए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन किसे वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का कहर जारी है, रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा के बाद 45 साल से ज्यादा उम्र, और अब इस कवायद में 1 मई से दायरा और बढ़ाते हुए 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया जाएगा। वैक्सीन की रफ्तार भले ही पहले से तेज हो गई हो, लेकिन वैक्सीन को लेकर संशय अभी कायम है। लोगों के जहन में बहुत से सवाल भी हैं। इस समय देश में 2 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन तो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया कि वैक्सीन की डोज को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, मतलब जो वैक्सीन शुरू में लगवाएं दूसरी डोज भी उसी की लें। वैक्सीन किसे लेनी है ये आप जानते हैं, लेकिन किसे नहीं लेनी चाहिए ये भी जान लीजिए। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लेंगे। जाहिर है 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। किन्हें लेनी चाहिए वैक्सीन? किसी भी शख्स को वैक्सीन के कारण किसी भी तरह की एलर्जी हो या फिर पहले डोज लेने के बाद किसी में कोई एलर्जिक रिएक्शन देखे तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं और बच्चों को स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि अब तक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन ट्रायल में शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं पर वैक्सीन के असर को लेकर स्थिति साफ नहीं है। गर्भवती महिलाओं के अलावा जिन लोगों में कोरोना के एक्टिव सिम्टम्स दिख रहे हो उन्हें भी संक्रमण से पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही वैक्सीन लेनी चाहिए, जिसके लिए समय निर्धारित 4 हफ्ते से 8 हफ्ते बताया गया है। साथ ही अगर किसी को बुखार, ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी खून से जुड़ी कोई बीमारी हो या फिर कोई मरीज ब्लड थिनर दवा ले रहा हो उसे भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। जिन कोरोना संक्रमितों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी या एंटीबॉडीज की मदद से किया जा रहा हो ऐसे संक्रमितों को भी स्वस्थ होने और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के 4 से 8 हफ्ते बाद ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। जिन लोगों में लो प्लेटलेट्स की बीमारी हो या फिर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर उन्हें भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर से भी बात करें, और आपको बुखार है या कोई एलर्जी है तो अभी वैक्सीन ना लें। इसके अलावा 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है उसे वैक्सीनेशन और सावधानी से ही कम किया जा सकता है। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।